नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ आपके साथ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है और इसी को लेकर वो फिलहाल दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। हालांकि एक तरफ जहां उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव उनकी सेवा में लगातार दिल्ली में लगे हुए हैं, तो वहीं उनके बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव ने लगातार सोशल मीडिया पर एक मुहिम छेड़ दी है। पहले तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए एक फेसबुक पोस्ट किया और ये लिखा कि # रिलीज लालू यादव, और अब जनता से एक अपील कर डाली है और एक नए मुहिम से जुड़ने की बात उन्होंने कही है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि जिसने हमें ताकत दी अब उसकी ताकत बनने का समय आ गया है, और राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखे, और साथ ही साथ उन्होंने इस मुहिम को नाम दिया है #आजादी पत्र। इसके अलावा तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ लिखा है पहले वो दिखाते हैं। जिसने हमें ताकत दिया आज वक्त है उनके लिए ताकत बनने का, आइए एक मुहिम से जुड़े और अपने नेता की आजादी के लिए अपील करें। गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री @लालू प्रसाद RJD जी के लिए एक पत्र आजादी पत्र को महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। 3 बजे प्रदेश कार्यालय पटना #आजादी पत्र। इसके साथ साथ एक पोस्ट कार्ड को भी शेयर किया गया है जिसमें साफ लिखा है आजादी पत्र भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली भारत। वह एक महान जननेता और बिहार की विरासत है। सामाजिक न्याय के नेता लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहा करें। तो आपको बता दें कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव हैं। हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ी जिसको लेकर उन्हें रिम्स से डायरेक्ट दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया। अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, कार्डियोलॉजी विभाग में वो दिल्ली के एम्स में भर्ती है और फेफड़े में संक्रमण और किडनी में तकलीफ की बात बताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच उनके बेटे और साथ ही साथ हम बात करी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की, तो उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है और आजादी पत्र के नाम से बिहार की जनता को इस मुहिम से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। और साथ ही साथ इस पोस्ट कार्ड के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए ही #रिलीज लालू यादव की मुहिम की शुरुआत की थी और उस दिन भी ट्विटर पर ये टॉप ट्रेंड कर रहा था और एक बार फिर से इस मुहिम से जुड़ने के लिए जनता से अपील की जा रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर प्रदेश कार्यालय में बिहार के 3 बजे का वक्त रखा गया है और इस दौरान और क्या कुछ होगा वो अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।